Good morning. We will discuss about numericals on Faraday first law. In previous lecture, we will study about Faraday first law. The formula of Faraday first law, which is used in numericals, is W is equal to ZQ. So, yahan Q kya tha? Q is equal to IT. So, first we will use the formula Q is equal to IT. Q is written in the form of NE is equal to IT. क्या तो हम numericals में ये formula use करेंगे या फिर weight of substance deposited is equal to atomic mass upon N factor into IT upon F. Now let's discuss the numericals on Faraday first law. A question is given कि a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at a cathode? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? Copper sulfate, CuSO4. इसको हमने electrolyzed किया, तो copper sulfate कैसे dissociate होगा? Cu2 plus SO4 2 minus. तो यहाँ से क्या निकालना है? Mass of copper deposited. तो यहाँ इसका N factor कितना होगा बेटा? 2 होगा. N factor कितना होगा? 2. Yes or no? And we know that atomic mass of copper ये कितना होता है 63.5 और यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है is electrolyzed for 10 minutes then time will be 10 minute और अभी मैंने बताया था कि time को हमेशा second में then you will multiply it by 60 with a current of 1.5 ampere तो current कितना दे रखा है 1.5 ampere What is the mass of copper deposited? Means तुम्हें क्या निकालना है? Mass of copper deposited. तो बेटा यह हमारा formula क्या था? Mass of copper deposited is equal to atomic mass upon N factor into IT upon F. Put the value in this, then you will calculate the mass of copper. देखो यहाँ पे एटॉमिक मास किसका लेना है सिर्फ जो हमारा डिपॉजिट होगा बेटा पूरी स्पीशीज का एटॉमिक मास मत लेना सिर्फ वही उसी का लेना जो हमारा कैथोड पे डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉपर का मास लेंगे 63.5 हेयर एन फैक्टर विल बी 2 एन फैक्टर कितना है 2 करंट कितना दिया हुआ है बेटा 1.5 एम्पीयर कितने टाइम के लिए 10 मिनट के लिए तो 10 × 60 अपॉन एफ इज हेयर फराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड तब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 0.296 ग्राम इट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ओके नेक्स्ट डू लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहा गया how much charge in coulomb is required for the following reduction first tumhe diya hua hai 1 mole al3 plus 2al second diya hua hai 1 mole Cu2 plus 2Cu और थर्ड दिया हुआ है 1 मोल MnO4 minus 2 Mn2 plus फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड को ही डिस्कस कर लेते हैं बेटा यहां क्या दिया हुआ है MnO4 minus को किस में कन्वर्ट करना है Mn2 plus में तो यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो x ऑक्सीजन -2 into 4 is equal to -1 it will be +7 और यहां कितना है बेटा +2 कितने का चेंज 5 का तो यहां से हम कहेंगे 1 मोल ऑफ MnO4 minus MnO4 minus required कितने फराडे 5 फराडे लेकिन हमसे ये पूछे कितना चार्ज चाहिए कूलम में अब हमें पता है बेटा 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 × 9600 देन इट विल बी 4825 कूलम
ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो हमें दिया हुआ है, 1 मोल Al3+2 Al। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो कितने का चेंज बेटा, 3 का। तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ Al3+ रिक्वायर्ड 3 फराडे। अगेन किसे पूछा है, कुलाम में, तो 1 फराडे हमारा किसके इक्वल आता है, 96,500 कुलाम। देन योर आंसर विल बी 3 × 96,500 कुलाम। देन इट विल बी, देन योर आंसर विल बी 2895,00 कुलाम। थर्ड पार्ट, 1 मोल Cu2+2Cu। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, कॉपर प्लस टू से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ 0, कितने फराडे, 2 फराडे। तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ Cu2+ रिक्वायर्ड 2 फराडे। अगेन यू विल डू कैलकुलेशन इन कुलाम, देन मल्टीप्लाई बाई 96,550, देन योर आंसर विल बी 193,000 कुलाम। ओके, दिस क्वेश्चन विल बी अंडरस्टैंड, देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How much electricity in terms of Faraday is required to produce first हमें दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम from molten calcium chloride, और सेकेंड हमें दिया हुआ है बेटा 140 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। अब हमसे ये पूछा है तुम्हें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, किसे, कैल्शियम क्लोराइड से। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तब इसमें तुम इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, देन इट विल गिव अस Ca2+2Cl-। तो यहां से हमारे पास n फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। यहां से मीन्स हमें क्या पता चल गया, कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। तो हम कहेंगे अगर ये हमारे पास स्टार्टिंग में बेटा 40 ग्राम कैल्शियम था, तो 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना फराडे चाहिए, 2 फराडे। तो एक के लिए कितना चाहिए, चलो हम नेक्स्ट शीट पे करते हैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व। देखो बेटा, तुम्हें ये दिया हुआ था कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे इज रिक्वायर्ड। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तुम्हारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, तुम इसमें इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, Ca2+2Cl-। तो यहां से हम कहेंगे कि 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, देखो केमिस्ट्री में हमेशा जो हमें निकालना होता है वो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब हमें निकालना क्या है कि हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फराडे में, तो इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है बेटा, वेट के रिस्पेक्ट में, तो उसको कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम कहेंगे अगर 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करना है तो हमें कितने फराडे चाहिए, 2 फराडे चाहिए। तो एक के डिपोजिशन के लिए कितने चाहिए, 2 फराडे/40। निकालना कितने का है, 20 का, तो इसको क्या कर दोगे, 20 से मल्टीप्लाई। तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा, 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। ओके, इसका सेकेंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ था, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहां से देखो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, 2Al3+3O2-। तो यहां हम कहेंगे कि यहां बेटा देखो 2 है स्टिक्योमेट्री, तो स्टिक्योमेट्री को मेंटेन करोगे तो क्या कहोगे,
टू इंटू 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए यहाँ पे 6 फराडे चाहिए। तो एक के लिए कितने चाहिए बेटा, 6 फराडे अपॉन 2 इंटू 27। क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है, 40 के लिए। कितने के लिए, 40 के लिए। तो इसको कैंसिल कर दो, 6 बन जाए, 6 6 पे नहीं जाएगा, 3 टू जा 6 और ये 3 9 जा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 × 40/9 फराडे। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.44 फराडे। तो हमें 40 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फराडे चाहिए, 4.44 फराडे। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर flows through a metallic wire for two hours, then how many electron would flow through the wire? तो वायर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या दिया हुआ है, करंट, तो लिख दो करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। टाइम 2 आवर्स, तो 2 × 60 × 60 इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट विल बी 1.6 × 10⁻¹⁹ अब ध्यान करो, तब हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, वेट ऑफ सब्सटेंस इज दैट बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो मैंने तुम्हें बताया था क्यू, चार्ज इज इक्वल टू आई टी, और तुम फिजिक्स में पढ़ते हो बेटा क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे क्यू की जगह तुम क्या पुट कर लोगे, एन ई, तो एन ई इज इक्वल टू आई टी, एन ई इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई टी अपॉन ई, पुट द वैल्यू, आई इज हेयर 0.5 एंड टाइम 2 × 60 × 60 अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ यू विल सॉल्व एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, इन सभी न्यूमेरिकल्स को ध्यान से करना। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटेलिक वेसल ऑफ टोटल सरफेस एरिया 900 cm² बाय यूजिंग ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। गिवन क्या है बेटा यहां पे, डेंसिटी दे रखी है तुम्हें, डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.5 g/cm³ एंड एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इट विल बी 108। अब सबसे पहले तुम जो तुम्हें गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखो। इफ टोटल सरफेस एरिया, तो यहां तुम्हें क्या दे दिया बेटा, सरफेस एरिया कितना है 900 cm² बाय यूजिंग ए करंट, कितना दिया 0.5 एम्पेयर, टाइम कितना दिया 2 घंटे, तो इनको सेकंड में बदलो, 2 × 60 × 60 यू विल हैव कैलकुलेट द थिकनेस, क्या निकालना है थिकनेस। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि भाई मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना होगा, तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड किसके इक्वल आएगा बेटा, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। तो वेट किसके आ गया बेटा, एरिया 900, थिकनेस निकालनी है x, मान लो
डेंसिटी कितनी दी हुई है 10.5। अब वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कहां से निकालोगे? फराडे फर्स्ट लॉ। फराडे फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था? एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर इनटू आईटी अपॉन 96,500 इट विल बी इक्वल टू 900 इनटू एक्स इनटू 10.5। यू विल वैल्यू एटॉमिक मास किसका लोगे बेटा? सिल्वर का कितना है? 108। एन फैक्टर देखो क्या है, सिल्वर है तो सिल्वर एजी प्लस में था, किस में कन्वर्ट होगा? एजी प्लस, एजी एजी में कन्वर्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, तो यहाँ एन फैक्टर कितना आएगा? 1। करंट कितना दिया हुआ है? 0.5 टाइम 2 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 96,500 इज इक्वल टू 900 इंटू एक्स इंटू 10.5। यहाँ बेटा सारी वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करके तुम क्या निकाल लोगे? एक्स, और एक्स ही हमारी क्या थी? थिकनेस। ये सारा हमने फराडे फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा है, और ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ध्यान से करना। थैंक यू।